उनको प्रणाम कविता में बाबा नागार्जुन ने उन व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो नींव के पत्थर की तरह, जिसके ऊपर खूब ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें खड़ी होती हैं, उसी पत्थर के कारण ही जरा सा भी हिल नहीं पाती, क्योंकि उस पत्थर ने अपने को मिट्टी में दफनाकर इमारत को मजबूती प्रदान की है। इन्हीं नींव के आदमियों के सीने पर देश रूपी पूरी इमारत खड़ी होती है। यही लोग हैं जो किसी इमारत की चोटी के गुंबद की तरह दिखाई नहीं देते। प्रत्येक व्यक्ति बाहर से दिखाई देने वाले गुंबद व चोटी की तारीफ करता है, परंतु कोई भी उन पत्थरों को याद नहीं करता जिन पर इमारत खड़ी होती है। इसी तरह बाबा नागार्जुन ने उन लोगों को प्रणाम किया है जो नींव की पत्थर की तरह अपने आप को खपा देते हैं। हम देखते हैं कि सामान्य रूप से कहावत है कि हीरो वही होता है जो सफल होता है। इसी कहावत को कवि ने झुठलाया है। वह उन व्यक्तियों को हीरो बता रहे हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जीवन संघर्ष करते रहे और उन्होंने असफलताओं से कभी हार नहीं मानी। पहली पंक्ति हम देखते हैं जो इस प्रकार है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। यहाँ पर कवि ने फल को नहीं बल्कि कर्म को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति असफलताओं से कुंठित होकर अपने लक्ष्य से भटक गए और वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, वह काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वह जो अधूरा काम है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक मील का पत्थर साबित होता है जो यह बताता है कि इस काम को पूरा करने में क्या क्या कठिनाई आई है और उस कार्य को पूरा करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है और उसको पूर्ण किया जा सकता है। तो इस प्रकार कवि उन अधूरे काम को भी महत्वपूर्ण बताते हैं और उन अधूरे काम को भी प्रणाम करते हैं। अगला पद है, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसे कर्मशील लोगों को युद्ध में योद्धा के समान देखा है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीवन की कठिनाइयों से एक योद्धा की तरह संघर्ष करते हैं, अर्थात सफलता पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वे कहीं चूक जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ मन ही मन हार मान लेते हैं, जबकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाया था, किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उस इच्छा शक्ति को कवि ने अभिमंत्रित तीर के समान कहा है, जिसका अर्थ है कि मंत्रों से सिद्ध किए हुए तीर जो अपना निशाना कभी नहीं चूकता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी असफल होना उसी प्रकार है जैसे तरकस से तीर खाली हो जाना, तुनीर का खाली हो जाना। व्यक्ति जब हार मान लेता है तब वह भी खाली तरकस के समान होता है, खाली तुनीर के समान बचता है, उसकी इच्छाएं, इच्छा शक्ति सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो कवि ऐसे योद्धा के समान साहसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं कि तुमने कुछ करने की शुरुआत तो की। हारा हुआ व्यक्ति तो वह है जो किसी कार्य को करने की शुरुआत ही नहीं करता। इस पद की विशेषता हम देखते हैं कि कवि ने कर्मशील व्यक्तियों को एक योद्धा के समान साहसी माना है और इच्छा शक्ति और प्रेरणा की तुलना अभिमंत्रित तीर से की है और हारे हुए व्यक्ति को खाली तुनीर के समान कहा है कि जिसकी इच्छा शक्ति, खुशी, उत्साह सारे तीर खत्म हो जाते हैं तो वे भी खाली तरकस के समान, खाली तुनीर के समान बच जाते हैं। हारा हुआ व्यक्ति, असफल व्यक्ति, हारा या असफल नहीं बल्कि वह कहीं पहुंचा हुआ व्यक्ति है। हारा तो वह है जिसने चलना ही शुरू नहीं किया, जो कहीं पहुंचा ही नहीं। अब हम अगला पद देखते हैं, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे उदधी को पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि ने उन्हें आदर दिया है कि कुछ लोग जो छोटी छोटी इच्छाओं या छोटा सा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े या जिनकी ताकत कम थी, साधन कम थे, लेकिन हौसले बुलंद थे
और इस विशाल समुद्र रूपी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में निकल पड़ा, लेकिन वह इस समुद्र को पार नहीं कर पाया और उसी में समा कर रह गया, निराकार हो गया, अपना अस्तित्व उसी में मिला लिया। यहाँ पर कवि ने व्यक्ति को एक यात्री के रूप में देखा है जिसकी इच्छा रूपी नाव छोटी थी जो विशाल समुद्र में डूब गई, लेकिन बड़ा सपना देखना यह भी बड़ी बात है। इस प्रकार कवि ऐसे छोटे लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसकी हम विशेषता देखते हैं कि कवि ने इसमें व्यक्ति को नाविक के रूप में देखा है और इच्छाओं को नाव का रूप दिया है। संदेश यही मिलता है कि अपनी योग्यताओं को भी परखना चाहिए, लेकिन ऐसे साहसी को भी कवि प्रणाम करते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रेरणा और संदेश दे जाता है, साधन कम होकर भी काम करने की ठान लेते हैं। अब हम तीसरे पद की व्याख्या देखते हैं जो इस प्रकार है, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रह नव नव उत्साह करे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। इस पद में कवि ने व्यक्ति के संघर्ष को पर्वतारोही की कठिनाइयों से जोड़कर कहा है कि जो पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, कठिनाइयों का सामना करके नीचे गिरते हैं, किंतु फिर नव नव अर्थात नया उत्साह लेकर ऊपर बढ़ते हैं। इन ऊपर चढ़ने वालों में अर्थात सफल होने वालों में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो बर्फ में समाकर समाप्त हो गए और कितने ही हार मानकर वापस नीचे उतर गए होंगे। ये असफल लोग भी सम्मान के योग्य हैं क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ लक्ष्य तो बनाया, ऐसा साहस करने के लिए ये सभी सम्मान के पात्र हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस पद की विशेषता हम इस प्रकार देखेंगे, उदाहरण के लिए जैसे तेंजिंग हिमालय पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने भी असफल लोगों के अनुभव से सफलता प्राप्त की है, इसलिए ये असफल लोग सम्मान के योग्य हैं क्योंकि इन्होंने दूसरों की राह आसान की है। अब हम अगला पद देखते हैं, एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दांव चले उनको प्रणाम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे साहसी जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, न ही अन्य लोगों के साथ चलने का इंतजार करते हैं, अकेले पृथ्वी के परिक्रमा पर निकल पड़े हैं, अर्थात ऐसा महान कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार किया। रास्ते में अनेकों परेशानियां रुकावटें आईं, लेकिन हार नहीं मानकर आगे ही बढ़ते रहे, मुंह नहीं मोड़ा, भले ही वे अपाहिज या पंगु हो गए, लेकिन मन से हार नहीं मानने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। पैरों में चुभने वाले कांटों को रौंदते हुए भी आगे बढ़ते गए, ऐसे साहसी हिम्मत वाले व्यक्ति असफल होकर भी गरिमामय लोग हैं जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। विशेषता इस प्रकार है कि आने वाले संकटों से डरकर तो नहीं, बल्कि सामने आए संकटों से न घबरा कर हिम्मत न हारने वाले ऐसे साहसी लोगों को कवि प्रणाम करते हैं क्योंकि वे हर परिस्थितियों से दो दो हाथ करके आगे बढ़ते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते और न ही अदृष्ट से डरते हैं, आने वाले संभावनाओं का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसलिए कवि उन्हें भी प्रणाम करते हैं। अगला पद है, कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर झूल गए, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको भूल गई उनको प्रणाम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कवि कहते हैं कि उन वीरों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश हित आज़ादी के लिए शहीद हो गए। वे इसलिए सम्मान के पात्र हैं कि वे अपने प्राणों की बलि प्रशंसा या पहचान पाने के लिए नहीं करते, बल्कि देशवासियों को कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करके वे आगे बढ़ते हैं। दुनिया उन्हें भूल गई, लेकिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि दुनिया उन्हें याद करती है, बल्कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं को
कष्ट से छुटकारा दिलाया। इसकी विशेषता इस प्रकार है कि कवि यही संदेश देते हैं कि व्यक्ति का त्याग अपनी गरिमा प्राप्त करता है, अगर दुनिया भूल भी जाती है तो आत्मसंतोष ही काफी है। अगला पद है, थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, यह जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि जिनकी साधना देश प्रेम उग्र था, उनका जीवन जल्दी समाप्त हो गया। जिनमें देश प्रेम की भावना प्रबल थी, वे आगे बढ़ चढ़कर देश की रक्षा और जनहित के लिए काम करने के लिए आगे आए। जो कायर थे, डरपोक थे, वे पीछे रहे और उनका जीवन लंबा था, लेकिन ऐसे कर्मवीरों का जीवन छोटा था और उनका जीवन का अंत भी दुखांत हुआ। जिनका जन्म सिंह लग्न में हुआ था, परंतु वे समय से पहले कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगत सिंह जैसे देश प्रेमी अपने कर्म में तेज थे और वे अपना कर्म करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए। विशेषता हम देखते हैं कि यह पंक्तियाँ उन देश प्रेमियों को समर्पित है जो कम उम्र में ही देश के लिए न्यौछावर हो गए। अगला पद है, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर नरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि वे सच्चे देशभक्त थे जिनका निश्चय दृढ़ था, अदम्य साहस रखते थे, वे वीरता के पर्याय थे। उनका ज्यादा जीवन बंदी गृह अर्थात जेल में ही बीता, जिसके कारण वे अपनी इच्छाएं पूरी करने में असफल रहे। उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाकर, अलग अलग सजाएं देकर जीवन कष्टमय बनाया और वे भी इन सब संघर्षों का सामना करते रहे। जीवन पथ पर थोड़ा भी विचलित न होने वाले थे, लेकिन अत्याचारियों षड्यंत्रकारियों ने उनके जीवन का अंत, उनकी जीवन की प्रेरणा, उनके जीवन का धुन, उनके जीवन की खुशी को मार दिया, अंत कर दिया। फिर भी वे आदर और सम्मान के पात्र हैं। विशेषता है कि वीरों के दृढ़ राष्ट्रप्रेम को सराहा है और पाठकों को प्रेरणा दी है। अंतिम पद का अर्थ हम देखते हैं, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि वीरों शहीदों के बेजोड़ देश प्रेम को फिर से याद दिलाया है कि उनका देश प्रेम किसी तुलना से बहुत ऊपर है, क्योंकि वे जनहित देश हित के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे थे और ना ही उन्हें अपने कार्यों की प्रशंसा की कोई इच्छा और लालच थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने उनके मनोरथ को चूर चूर कर दिया। वे जो करना चाहते थे, वे जो हासिल करना चाहते थे, वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी होने से पहले ही विपरीत परिस्थितियों ने तोड़ दिया। वे वह नहीं प्राप्त कर पाए जिसका स्वप्न देख रहे थे, लेकिन उनके प्रयास अदम्य थे, वे जीते जी सपना पूरा नहीं कर पाए, उनको मेरा प्रणाम। विशेषता इस प्रकार है कि जो वीर आज़ादी से पहले शहीद हुए, उन्होंने अगर आज़ादी का सपना नहीं देखा होता तो उनका सपना कौन और कैसे पूरा करता, वह सपना कैसे पूरा होता, और उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उनके स्वप्न को पूरा किया। इसलिए स्वप्न देखने वाले ऐसे वीर जो अपने स्वप्न पूरे करने में असफल हुए, उन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता की, अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। तो जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं, और यह प्रश्नों उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और स्वसंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे, और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुँचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। सो आपको पूरी किताब में से
तीन प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है, कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी पूरी सहायता मिल सकती है। और चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको दो शीर्षक दिए जाएंगे, उसमें से एक पर टिप्पणी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं टिप्पणी लिखने का फॉर्मेट, आप देख रहे हैं कि जो भी आपको दो शीर्षक दिए जाते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले जो भी प्रश्न आप टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखिए, उसके बाद उस शीर्षक का परिचय लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, उसके बाद कविता और कवि का नाम लिखिए और एक संक्षिप्त रूप से उस शीर्षक के विषय में कविता के आधार पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो इस प्रकार छात्रों, यह पाठ्य सामग्री पूरी होती है। मुझे आशा है आपको यह जरूर उपयोगी होगी।